Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great in this situation of corona. And आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक कंपैरिजन वीडियो है बिटवीन टू ग्रेट नाइट जेल्स. द फर्स्ट वन इज फ्रॉम एमकैफिन विच इज एमकैफिन ग्रीन टी नाइट जेल एंड द सेकेंड इज प्लम ग्रीन टी रिन्यूड क्लैरिटी नाइट जेल. तो अगर हम लोग प्राइस और वेटेज की बात करें, दोनों का प्राइस एंड वेटेज आर सेम. यू गेट 50 ml ऑफ द प्रोडक्ट्स प्राइस्ड एट ₹575 और दोनों का ही शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है. तो चलिए अभी इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं. अगर प्लम की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट हम लोग देखें तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट दिखेगी वो है ग्लाइकोलिक एसिड. ग्लाइकोलिक एसिड बेसिकली एक पीलिंग एजेंट है जो एक एक्सफोलिएशन देती है अपने स्किन को और जो डार्क स्पॉट्स या फिर पिगमेंटेशन स्पॉट या फिर एक्ने स्पॉट्स को रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक हेल्प करती है. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इन द लिस्ट इज आर्गन ऑयल. आर्गन ऑयल इज वेरी हेल्पफुल टू मेक द मॉइस्चराइजर लाइट. ये अगर आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको एकदम हेवी फीलिंग नहीं देंगे. तो इसके इसमें एलोवेरा लीफ का जो जूस है वो भी है विच इज ग्रेट फॉर एक्ने प्रोन ऑयली सेंसिटिव स्किन. और इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स भी है विच इज अगेन ग्रेट फॉर ऑयली स्किन पीपल. एंड उसके बाद इसमें लिकोरिस है. लिकोरिस का एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बेसिकली इन्फ्लेमेशन या फिर कोई जल मतलब बर्निंग सेंसेशन या फिर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं देती है. और लिकोरिस में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज भी है. उसके बाद इसमें विलो बार्क एक्सट्रैक्ट है जो कि बेसिकली एक माइल्ड एक्सफोलिएटर है. वो स्किन को एक्सफोलिएट करके एक रेडिएंट लुकिंग स्किन देती है. इसके बाद इसमें गिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट्स है जो कि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है. इसमें गोजी फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स भी है जो कोलाजन प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करती है. और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस इसमें माइल्ड प्रिजर्वेटिव्स है कुछ कुछ और इसमें फ्रेग्रेंस भी है. तो अगर हम लोग ग्रीन टी नाइट जेल की इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखें तो मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है हाइलुरोनिक एसिड. दो उसकी क्वांटिटी बहुत कम है लेकिन हाइलुरोनिक एसिड हम लोग के स्किन का जो ऑयलीनेस है उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है. एंड ऑल्सो इट ट्रैप्स अ वाटर इनसाइड द स्किन टू मेंटेन द मॉइस्चर बैलेंस. उसके बाद विटामिन सी है विच इज अगेन ग्रेट फॉर स्किन केयर. तो अपार्ट फ्रॉम दिस टू मेन इंग्रेडिएंट अदर इंग्रेडिएंट्स आर जिंक ग्लूकोनेट. जिंक ग्लूकोनेट में एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज है जो कि स्किन को एक कामनेस प्रोवाइड करती है. उसके बाद है इथाइल हेक्साइल ग्लिसरिन जो कि एक माइल्ड एमोलिएंट है. एमोलिएंट क्या करती है, फिल्म टाइप का बना देती है हम लोग स्किन पे ताकि वाटर स्किन वाटर रिटेन करके रखे ताकि अच्छे से मॉइस्चर बैलेंस बना रहे हम लोग के स्किन पे. इसके बाद है मैग्नीशियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट जो कि कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है, स्किन लाइटनिंग में भी ये हेल्प करती है हम लोगों को. उसके बाद इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है जो स्किन का पीएच को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है. एज प्रिजर्वेटिव फेनोक्सी इथेनॉल और कैप्रेलिक यूज होता है. इसमें भी फ्रेग्रेंस है. तो ये था कुछ इंग्रेडिएंट्स. और भी 2-3 इंग्रेडिएंट्स है वो आप लोग देख सकते हैं एलाबोरेटली. एंड अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो एमकैफिन की जो नाइट चिल है वो मैंने ऑलमोस्ट 20-21 डेज तक यूज़ किया है. तो मतलब ये मेरे स्किन पे कोई भी पिंपल ब्रेकआउट वगैरह कुछ भी नहीं दिया था. मेरे स्किन को काफ़ी हाइड्रेशन दिया है इसने. तो लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है इसमें ये अप्लाई करने के बाद अब्सॉर्ब होने के बाद भी एक स्टिकीनेस सा फीलिंग देती है, एक चिपचिपाहट सा फीलिंग देती है जो मुझे एकदम बिल्कुल पसंद नहीं है. आई वुड रिकमेंड दिस जेल फॉर ड्राई स्किन टाइप पीपल बिकॉज मेरी स्किन ऑलरेडी ऑयली है तो मुझे वो स्टिकीनेस अच्छा नहीं लगा. रैदर जो प्लम का जो ग्रीन टी रिन्यूड नाइट क्लैरिटी जेल है तो वो यूज़ करने के बाद जब अब्सॉर्ब हो जाती है दैट गिव्स अ वेरी नाइस मैटी फिनिश. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं मेक श्योर करती हूँ कि कोई भी मॉइस्चराइजर मैं यूज़ करूँ वो ऑयल फ्री हो ताकि वो चिपचिपाहट सा फीलिंग मुझे नहीं दे. और प्लम ग्रीन टी नाइट क्लैरिटी जेल जब मैंने यूज़ किया वो काफ़ी हद तक मेरे स्किन में यहाँ पे जो पिगमेंटेशन था वो रिड्यूस होते हुए मुझे नज़र आया है. या फिर जो एक्ने का डार्क स्पॉट्स है उस पर भी बहुत अच्छे से ये वाला जो ग्रीन टी जेल है वो बहुत अच्छे से काम किया है मेरे स्किन पे.
तो अगर मेरी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आई वुड डेफिनेटली रीपर्चेज दिस एंड रिकमेंड दिस फॉर दोज हु हैव एक्ने प्रोन ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन। मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा है कि रिव्यू देते हुए कि सेंसिटिव स्किन के लिए काम नहीं करती है, लेकिन मेरे भी सेंसिटिव स्किन है, लेकिन मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से ये जो ग्रीन टी जेल है, नाइट जेल है, वो काम कर गई है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्किन टाइप्स होती है, तो सब प्रोडक्ट सबके स्किन पे नहीं जाता है। ये मेरा एंटायरली पर्सनल एक्सपीरियंस रिव्यू है। तो अगर मेरी रिकमेंडेशन पे जाना चाहते हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड प्लम ग्रीन टी नाइट क्लैरिटी जेल। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों को लगा हो कि आपने भी यूज़ किया है और डिफरेंस पता चल रहा है, तो डेफिनेटली कमेंट में मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन बिसाइड इट सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आप लोग सेफली रहिए, घर में रहिए एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।